नो अखिलेश, तुम अपने सर पे कितनी ईंटें ला रहे हो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 ईंटें हैं तुम्हारे सर पर। 8 ईंटों का अपना नगद पैसा लो, लो। और लालू जी आपके सर पे कितनी ईंटें हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 लालू जी आप अपने सर पर बहुत कम ईंटें लाते हो। तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं इस ईंट भट्टा का मालिक हूँ और तुम लोग जो भी मजदूरी करती हो मैं नगद मजदूरी देता हूँ। अब देखो अखिलेश अपने सर पर 8 ईंटें लाया है, इसको 8 रुपए तुरंत नगद दे रहा हूँ 1 रुपया ईंट के हिसाब से। मोदी जी इसीलिए तो हम आपके ईंट भट्टे पर काम करने के लिए आते हैं। अरे ऐसा कोई भी ईंट भट्टे का मालिक नहीं है जो नगद मजदूरी देता हो। अब देखो आप पेटी में पैसे लेकर बैठ गए, जो जितनी ईंटें लाता जा रहा है उसे उस हिसाब से आप पैसे देते जा रहे हैं। अब देखो मैं अपने सर पर 8 ईंटें लाया हूँ तो आपने मुझे 8 रुपए नगद दे दिए, लालू जी 6 ईंटें ला रहे हैं उन्हें 6 रुपए दे दोगे आप? मैं तो ज्यादा सर पे ईंटें रख ही नहीं पाता हूँ, 6 ईंटें लाता हूँ और 6 रुपए मोदी जी से नगद ले लेता हूँ। फिर मैं अगले चक्कर में 6 ईंटें लाता हूँ, फिर 6 रुपए नगद ले लेता हूँ। लेकिन मोदी जी आपके जैसा ईंट भट्टा मालिक मैंने आज तक नहीं देखा जो नगद पैसे देता हो। मुझे आपके ईंट भट्टा पे काम करने में बहुत ही मजा आता है, बिल्कुल नगद पैसे मिलते हैं। इसीलिए तो लालू जी मैं भी देखो मोदी जी के ईंट भट्टे पर ईंट बनाने का काम करता हूँ। देखो ईंट बना रहा हूँ मैं, जैसी ईंट बन के तैयार होंगी मेरी जितनी भी, तुरंत मोदी जी अपनी पेटी में से पैसे निकालेंगे मुझे दे देंगे। और योगी जी तुम कैसे चले आए, तुम अपना काम बताओ। राहुल काम तुम्हें थोड़ी बताऊंगा, मोदी जी को बताऊंगा। मोदी जी मैं भी आपका नाम सुन के आया हूँ, मुझे पता चला है कि आप मजदूर की पसीना सूखने से पहले मजदूरी दे देते हो, इसीलिए मैं भी आपके ईंट भट्टे पर काम करने के लिए आया हूँ। कोई जगह खाली हो तो बताओ। योगी जी माफ करना, फिलहाल तो कोई जगह खाली है नहीं, क्योंकि जब से मैंने अपने ईंट भट्टे पर नगद पैसा देना शुरू किया मजदूरों को, मेरे पास मजदूरों की भीड़ लगी रहती है। अब मेरे पास एडवांस में इतने ज्यादा मजदूर है कि इतना तो काम भी नहीं है ईंट भट्टी पर। मोदी जी ये पैसों की पेटी लेके बिल्कुल सामने बैठे हो, किसी दिन कोई मजदूर लेके ना भाग जाए। योगी जी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मेरे इस ईंट भट्टी पर एक एक मजदूर ईमानदार है। सारे मजदूर मेहनत मजदूरी करते हैं और नगद पैसे लेते हैं मुझसे, तो उन्हें पैसा लेकर भागने की क्या जरूरत है। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मनमोहन सिंह जी तुम्हारे हल कोई दिमाग में आया? हाँ मोदी जी, अमित शाह जी का एक हल है वो मेरे दिमाग में आया, उसी हल को ले जाऊंगा कल, उसी हल से जुताई करूंगा खेतों की। मनमोहन सिंह जी मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ और तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुमसे ये कह रहा हूँ पूरा गांव बेरोजगारी से जूझ रहा है, कोई काम काज नहीं है। तुमने ये बताया था कि मेरे एक दोस्त है शहर में राजनाथ सिंह जी, उनसे बात करोगे, वो अपने गाँव के सब लोगों को शहर में अच्छी मजदूरी पे लगवा देंगे। तुमने बात की उनसे? अच्छा मोदी जी इस हल की बात कर रहे हो? हाँ इस समस्या का हल मैंने सोच लिया है, लेकिन इस समस्या का हल निकल नहीं पाया। मैंने राजनाथ सिंह जी से बात की शहर में, वो कह रहे हैं शहर में भी बेरोजगारी फैली पड़ी है, यहाँ पे मत आना, अपने गांव में ही हल बैल से खेती बाड़ी करो। लेकिन मनमोहन सिंह जी एक बात बताओ, बारिश हुई नहीं है 2 महीने से, खेत बंजर पड़े हैं, खेती बाड़ी भी कैसे हो जाएगी? गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है, नदी नाले भी सूख पड़े हैं, तो फसल कैसे पैदा होगी? तो मोदी जी किसी जगह काम करने के लिए तो जाना ही पड़ेगा, यहाँ गांव में रह के कोई फायदा नहीं होगा। अब योगी जी क्या बताऊं मैं, मैंने मनमोहन सिंह जी से कह दिया था कि शहर में कोई काम हो तुम राजनाथ सिंह जी से पूछ लेना, लेकिन अब ये बता रहे हैं कि इनकी राजनाथ सिंह जी से बात हुई, वहां पर भी कोई काम नहीं है। तो मोदी जी एक बात बताओ, इस गांव में ऐसे खाली कब तक खाते रहोगे? पिछले साल जो अनाज पैदा हुआ था खेतों में वो सब का सब मैं खा चुका, कहीं कोई काम करवाने वाला आई नहीं, मजदूरी हो ही नहीं पा रही है, क्या करा जाए? लालू जी तुम्हारे तो घर का अनाज था, तुम्हारी फसल का अनाज था वो तुम खा चुके, मैं तो उधार लेके दुकान से सारा का सारा अनाज खा गया, मेरे ऊपर कम से कम 10,000 रुपए का कर्जा हो गया है। मोदी जी वैसे मेरे एक दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, उस आइडिया के हिसाब से आप सब लोग अगर चलोगे तो ये बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। तो बताओ ना मनोहर लाल खट्टर जी कौन सा वो आइडिया है, कुछ तो बताओ, जल्दी बताओ। देखो वो जो आइडिया आया था वो आइडिया आया मेरे दिमाग में अचानक, मैं भूल गया, अब मैं रात में सोच के याद करूंगा वो कौन सा आइडिया था जिससे कि बेरोजगारी खत्म हो जाए। फिलहाल बहुत अच्छा आइडिया मेरे दिमाग में आया था, लेकिन अचानक आइडिया आया, अचानक मैं भूल गया। चलो अब सब लोग अपना लोग घर चलते हैं, घर चल के सब लोग दिमाग से सोचना कि कौन सा काम करा जाए जिससे कि ये बेरोजगारी खत्म हो। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी आपके साथ काम करने जाऊंगा ही नहीं, आज ही से काम छोड़ दूंगा मैं, किसी हाल में भी नहीं जाऊंगा। अरे पूरा दिन दिन भर तो आप खेतों पे मजदूरी करवाते ही हो और अंधेरा होने को जा रहा है, ओवर टाइम भी मजदूरी करवाते हो। अच्छा योगी जी एक बात बताओ, आप अगर ओवर टाइम मजदूरी करती हो तो ओवर टाइम मजदूरी करने का आपको पैसा भी तो मिलता है, और ऐसा थोड़ी है कि आप ही ओवर टाइम मजदूरी करती हो, आपके साथ साथ मैं, अखिलेश, राहुल, लालू जी, केजरीवाल जी
सारे लोग ओवर टाइम मजदूरी करते हैं, इन्हें तो ओवर टाइम मजदूरी करने में कोई दिक्कत नहीं है और ओवर टाइम मजदूरी का ज्यादा पैसा मिलता है। मोदी जी दिक्कत है क्यों नहीं, मुझे तो बड़ा दिक्कत है ओवर टाइम मजदूरी करने में, लेकिन मैं आपसे कह नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं कल से मैं भी चाहता हूँ कि ओवर टाइम मजदूरी ना हो। अच्छा मोदी जी एक बात बताओ, पूरा दिन खेत पर मजदूरी करो, मजदूरी करने के बाद शाम को थका हारे मजदूर को आराम से थोड़ी रोटी मिल जाए घर जाके और थोड़ी नींद मिल जाए, लेकिन ओवर टाइम मजदूरी करने में सब कुछ खत्म हो जाता है। अब देखो चारों तरफ अंधेरा छा गया, चारों तरफ सन्नाटा है और अपने लोग अब ओवर टाइम मजदूरी करके जा रहे हैं। अरे राहुल तुम तो योगी जी के साथ सुर में सुर मिलाने लगे। चलो कोई बात नहीं है, कल से ओवर टाइम मजदूरी नहीं करेंगे, लेकिन एक बात समझ लो, जो तुम्हारी दिन भर की दिहाड़ी 250 रुपए होती थी फिर वो 150 ही रुपए होगी, समझ गए तुम? नहीं मोदी जी, मैं तो आपके साथ ओवर टाइम मजदूरी का समर्थन करता हूँ क्योंकि मुझे पैसे की बहुत दिक्कत है, मैं तो ओवर टाइम ही मजदूरी करूंगा, कह देता हूँ आपसे मैं साफ साफ। अब अगले से एक बात बताओ, तुम्हारे अकेले कहने से क्या होगा, उधर देखो राहुल और योगी जी भी ओवर टाइम मजदूरी करने से मना कर रहे हैं और लालू जी केजरीवाल तो चुप है, वो बोल ही नहीं रहे, उनकी चुप्पी ये साबित करती है कि वो भी ओवर टाइम मजदूरी नहीं करना चाहते, नहीं तो वो बोलते नहीं जैसे तुम बोल पड़े एकदम। इसीलिए तुम्हारे अकेले कहने से कुछ नहीं होगा, कल से ओवर टाइम मजदूरी नहीं करेंगे। चलो कल टाइम से घर जाएंगे 5 बजे ही। लेकिन हाँ राहुल इतनी बात कह देता हूँ, जो अभी तुम कह रहे थे कि टाइम से घर जाने पे अच्छा खाना पानी करूंगा मैं और अच्छी तरीके से सोऊंगा, देखूंगा मैं कल तुम कितनी अच्छी तरीके से खाना पानी करोगे और कितनी अच्छी तरीके से सोओगे। ओवर टाइम में तुम्हें जो ज्यादा पैसे मिल रहे थे वो तुम्हें बुरे लग रहे थे। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लालू जी योगी जी इस बार तो मैंने इतनी बरसात की कल्पना ही नहीं की थी, इतनी ज्यादा बारिश हुई है इस बार के मेरी पूरी की पूरी धान की फसल बिल्कुल पानी में डूब गई। अब क्या करा जाए, जो धान की फसल थोड़ी बहुत ऊपर पानी से दिख रही है उसी को काट के बाहर निकाल रहे हैं। मोदी जी आपका यह खेत तो बिल्कुल तालाब बन गया, लग ही नहीं रहा है कि इस खेत में आपकी लहराती हुई धान की फसल थी, ये तो बिल्कुल तालाब बन गया। अब देखो इस धान की फसल से थोड़ा थोड़ा अनाज ऊपर को दिख रहा है, वो ही लोग अपना लोग काट के बाहर निकाल रहे हैं। चलो जल्दी जल्दी निकालो, हम आपकी इतनी ज्यादा सहायता कर रहे हैं, कम से कम मजदूरी सही कर देना। लानू जी सहायता का भी नाम ले रहे हो और पैसे भी ज्यादा मांग रहे हो। अरे मोदी जी मुझे तो इस पानी के अंदर खड़े होकर धान की फसल काटने में बड़ा दिक्कत हो रही है, ऐसा लग रहा है इतने ज्यादा पानी में कहीं कोई मगरमच्छ या सांप उप ना आ जाए। वैसे मोदी जी अगर इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती तो आपकी इस बार की धान की फसल में बहुत अच्छी पैदावार होती। योगी जी मेरी इस धान की फसल में पैदावार तो इस बार अच्छी होगी, अभी भी कोई खास ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, इस धान की फसल को पानी में से काट के सूखी जगह पे बाहर ले चलती हैं। मोदी जी कहना बहुत आसान है, करना बड़ा मुश्किल है, आप देख ही रहे हो कितनी मुश्किल से इस धान की फसल को इस पानी के अंदर से काटा जा रहा है। इस धान की फसल की कटाई बड़ा मुश्किल कटाई है पानी के अंदर, लेकिन क्या करें, ये आपका खेत है, हमें ये काम करना पड़ेगा। चलो अखिलेश ये बहुत बहुत मेहरबानी, कम से कम तुम मेरी धान की कटाई करवा रहे हो, लेकिन तुम मेरी धान की कटाई कोई फ्री में थोड़ी करवा रहे हो, कम से कम 2000 रुपए लोगे। लेकिन राहुल तुम बड़ा पीछे रह गए धान की कटाई करने में, तुम तो बिल्कुल पीछे हो। और मोदी जी मैं क्या करूं, मैं इस पानी के अंदर धान की कटाई सही तरीके से कर ही नहीं पा रहा हूं, इतनी ज्यादा बाढ़ पता नहीं इस बार किस तरीके से आ गई। वैसे इतनी बाढ़ कभी आती नहीं है अपने गांव में। राहुल क्या कह रहे हो, किस तरीके से बाढ़ आ गई? अरे बाढ़ तो आती जाती रहती है अपने इस गांव में, जिस साल ज्यादा बारिश होती है उस साल बाढ़ आ जाती है, तुम्हें तो मालूम ही है कि आज से 5 साल पहले तो मेरी धान की पूरी फसल बेकार हो गई थी बाढ़ में, इस बार तो फिर भी मेरी धान की फसल थोड़ी थोड़ी ऊपर पानी से दिख रही है, जिसकी वजह से अपना लोग धान की कटाई कर पा रहे हैं। अगर ये धान की फसल पूरी तरीके से बाढ़ में डूबी हुई होती तो सोचो कितना नुकसान होता। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।